हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस सीसीए की बैठक के बाद हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि स्क्रीनिंग कमेटी में 90 में से 66 सीटों पर चर्चा हुई थी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर उन्होंने बताया कि बातचीत की जा रही है, सीट बंटवारे पर चर्चा हो रही है। जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सीसी की बैठक हुई, जिसमें हरियाणा के चुनाव संबंधित प्रस्ताव जो थे, हरियाणा की स्क्रीनिंग कमेटी की जो है मीटिंग हुई थी, उसमें जो प्रस्ताव बने थे उसको प्रस्तुत किया गया। आउट ऑफ 90 सीट्स यस्टरडे 49 सीट्स वे डिस्कस्ड, और आज जो है 41 रिमेनिंग सीट्स, उसके लिए जो भी कंक्लूजन था स्क्रीनिंग कमेटी का, उसको अप्रूवल के लिए हमारी सीसी के सामने प्रस्तुत किया गया। आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस की बात जो है, इट इज़ इन अ वेरी वेरी प्रिमिटिव मोड, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, और उसके लिए आपको आगामी 2-3 दिन में कुछ नतीजा, कुछ डेवलपमेंट होगा तो बताया जाए। सब कमेटी जो बनाई गई, इट इज़ नॉट फॉर द अलायंस, इट जो बनाई गई, जो हमारी सीट्स जो पेंडिंग हुई थी, जो पेंडिंग सीट्स होती है, वो ज़्यादातर एक सब कमेटी के द्वारा प्रोसेस करके कांग्रेस अध्यक्ष के सामने रखा जाता है, तो दैट कमेटी सब कमेटी इज़ बीइंग फॉर्म। उसमें मधुसूदन मिस्त्री जी हैं, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के एक्स डिप्टी सीएम जो हैं सिंहदेव साहब, बाबा सिंहदेव जी हैं, और माकन साहब हैं, माई सेल्फ आई एम देयर, एंड स्टिल वन मोर मेंबर इज देयर, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट।